अभी तो मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर स्थित निजी फाइनेंस कंपनी से बदमाशों ने 7 दिसंबर को 38 लाख रुपए लूट लिया, जिसका उद्भेदन पुलिस ने किया है। इस लूटकांड का मास्टरमाइंड कंपनी में काम करने वाला 3 कर्मचारी थे। मामले की जांच के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। गठित जांच टीम ने मानवीय तकनीकी एवं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कांड का सफल उद्भेदन करते हुए घटना में संलिप्त 2 फाइनेंस कर्मी को दबोचा है। गिरफ्तार फाइनेंस कर्मी की पहचान ब्रांच क्रेडिट मैनेजर कृष्ण गुप्ता और यूनिट मैनेजर इरफान अली के रूप में हुई। दोनों कर्मी बेतिया के रहने वाले हैं। उनके पास से बाइक और लूट की गई राशि में कुल 30 लाख रुपए बरामद हुए। कार्यरत फाइनेंस कर्मियों ने ही अपने एक साथी के साथ मिलकर फाइनेंस कंपनी में लूटकांड की साजिश रची। तीसरे साथी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। लूटकांड के उद्भेदन व गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम को मुजफ्फरपुर SSP 25,000 रुपए की राशि देकर पुरस्कृत करेंगे। 392 का, जिसमें एक निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, जिसमें 38 लाख रुपए की लूट की बात प्रकाश में आई थी। मामला चूंकि काफी संवेदनशील था और जो लूट की राशि थी वो काफी बड़ी थी, इसको देखते हुए CTSP साहब के निर्देशन में अनुसरण में और ESP जो टाउन है अवधेश दीक्षित, उनके नेतृत्व में एक SIT गठित की गई थी, जिसमें अहियापुर के थानाध्यक्ष रोहन थे और जो DIU के प्रभारी हैं लाल किशोर थे, और दोनों ही की पूरी टीम उसमें लगातार कार्य कर रही थी। चूंकि शुरू में केस पूरी तरीके से ब्लाइंड था, तो जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान के आयाम और तरीके हो सकते हैं वो सभी हम लोग इसमें कर रहे थे, और कल देर रात्रि इसमें इस टीम को एक सफलता प्राप्त हुई। इस घटनाक्रम के पीछे जो मुख्य अभियुक्त थे वो इस जो माइक्रो फाइनेंस एजेंसी है इसके जो यूनिट मैनेजर हैं, इरफान नाम है उनका, वो थे। इसकी प्लानिंग उनके द्वारा तैयार की गई और इसमें इनके एक साथी और थे जिनका नाम किशन गुप्ता है, जो ब्रांच क्रेडिट मैनेजर है उसी कंपनी में, उनको इन्होंने साथ में लिया। इन दोनों लोगों ने मिलकर घटना के 2 सप्ताह पहले इसकी प्लानिंग की, और प्लानिंग में ये तय था कि जिस दिन राशि काफ़ी ज़्यादा होगी उस दिन घटना को अंजाम दिया जाएगा। जो किशन गुप्ता हैं उन्होंने अपने चचेरे भाई से संपर्क स्थापित किया और उनको तैयार किया इस घटना को करने के लिए, और इन्होंने घटना के 2-3 दिन पहले ही 2 नए सिम परचेज किए, जिसमें एक सिम अपने पास रखा और एक सिम अपने चचेरे भाई को दिया, और दोनों सिमों का प्रयोग केवल आपस में ही बातचीत करने के लिए किया। घटना के दिन घटना को कारित करने के लिए किशन के जो चचेरे भाई हैं जो अभी फरार हैं वो आए, और जो एरिया मैनेजर यूनिट मैनेजर हैं इस ब्रांच के, इरफान अली, यूनिट मैनेजर 3-4 ब्रांच पे एक होते हैं, इरफान अली, ये दोनों लोग आए वहाँ पे घटना करने के लिए। चूंकि दोनों लोग नकाब पहने थे इसलिए जो सहकर्मी थे वो नहीं पहचान पाए। जो किशन गुप्ता हैं वो पहले से बैंक में मौजूद थे, एजेंसी के अंदर मौजूद थे, और इन सब की मिली भगत से लगभग 37,90,000 रुपया ये लोग लूट के ले गए। इसमें हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक किशन गुप्ता हैं, दूसरे इरफान अली हैं। इसके अतिरिक्त तीसरे एक अभियुक्त जो किशन गुप्ता के चचेरे भाई हैं वो फरार हैं। जो मोबाइल लूट के ले जाए गए थे अपराधियों के द्वारा, जिनकी संख्या 3 थी, उन 3 मोबाइल को भी जब्त किया गया है। घटना में प्रयुक्त एक हथियार चाकू, उसको भी हम लोगों ने जब्त किया है। घटना में जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था उस मोटरसाइकिल को भी हमने बरामद किया है। इसके अतिरिक्त जो लूटी गई राशि थी उस राशि में से 30,23,270 रुपये भी हम लोगों ने जब्त किए हैं। जो शेष राशि लगभग 6 से 7 लाख बच रही है उसकी बरामदगी के लिए और एक अभियुक्त जो शेष है उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो प्लानिंग थी क्या किसी वेब सीरीज और फिल्म को देख रहे लोग बनाए थे या उसके बारे में हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की जो प्लानिंग बनाने का तरीका, तो जो पहले पूर्व में कुछ राज्यों में ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जहाँ किसी निजी कर्मी के द्वारा इस प्रकार को घटना को अंजाम दिया गया और वो किसी तरीके से नहीं पकड़ पाए, उन सारी घटनाओं से प्रेरित होकर इन लोगों ने इस घटना की। राशि कहाँ से बरामद हुई है? राशि इसमें जो इरफान अली है उनकी ससुराल है मोतिहारी में एक जगह पे, वहाँ से बरामद की गई। उनके घर से नहीं, उनको उस चीज़ की जानकारी नहीं थी, चूंकि ये ऐसी एजेंसी में काम करते हैं तो कई बार कैश रहता है, तो वो लोग यही जानते थे कि इस जो एजेंसी है उसका कैश है। इन दोनों के अलावा अन्य भी संदिग्ध है? हाँ, एक व्यक्ति और इसमें अभी बाकी है, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लूटी गई राशि में क्या योजना लोग बना रहे थे कहीं खपाने के लिए या कहीं? अभी तक इनका इतना ही प्लान था कि इसमें टोटल 3 लोग थे और इनका तीनों का इक्वल बंटवारा इन लोगों को करना था। जैसे इसमें लगभग 37 लाख रुपए है तो 12.25 लाख के लगभग पर व्यक्ति अपना हिस्सा लेता है। सर, इस तरह का घटना कारित किया कि इससे पहले भी कहीं किसी तरह का किए हों उसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है? हम लोग इसमें जरूर काम कर रहे हैं, वैशाली से हम लोग इसको शेयर भी कर रहे हैं, और जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ वर्षों पहले गरौल में सेम माइक्रो फाइनेंस एजेंसी में एक घटना घटित हुई थी लूट की, और संयोग से उस वक्त ये दोनों कर्मी वहाँ पदस्थापित थे।
सर जो पुलिसकर्मी है जो काम उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा कार्य हुआ है। हम लोग इसमें जो वरीय पदाधिकारी है उनको तो लिख ही रहे हैं पुरस्कार की अनुशंसा के साथ लिए, और साथ ही जो आप लोगों के सामने ही इस पूरी टीम को जो इस SIT को देख रहे थे सिटी SP साहब और SP साहब दोनों लोगों को पूरी टीम के लिए 25,000 रुपए। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाई IAO एंड एफिलियेटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।